जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक कैसे पहुंचे, इसके प्रचार प्रसार के लिए ये वैन को रवाना आज कर रहे हैं और ये पूरे देश भर में अगले 2 महीने तक ये वैन लोगों के घरों तक पहुंचेगा और उनके घरों तक पहुंचकर उनकी क्या परेशानियां हैं, क्या है उनको जानकारी दिया जाएगा। और जो तो भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और 2 दिवसीय दौरे के दौरान आज उनका आखिरी दिन है दौरे का, और इस दौरान वो सुबह के जो कार्यक्रम है उसके तहत पीएम मोदी संग्रहालय पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि पीएम मोदी और वहां पर सीएम हेमंत भी साथ साथ हैं, और आपको बता दें पीएम मोदी और सीएम हेमंत साथ साथ हैं, भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय पहुँचे हैं, वहाँ वो भ्रमण कर रहे हैं और तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। और आपको बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय में जो धरोहर है और जो विभिन्न चीज़ें हैं उसका अवलोकन कर रहे हैं, और सीएम हेमंत सोरेन भी उनका साथ साथ हैं। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दौरा का उनका दूसरा और आखिरी दिन है, और इस दौरान वो बिरसा मुंडा संग्रहालय पहुँचे हैं और भगवान बिरसा मुंडा को उन्होंने पुष्प अर्पित किया। इसके बाद संग्रहालय में भ्रमण कर रहे हैं और अलग अलग जो चीज़ें हैं उसको देख रहे हैं, और साथ में सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखिए, तो प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड में हैं, और दौरे के दौरान कल ही वो रांची पहुंचे थे, जिसके बाद एयरपोर्ट से राजभवन तक रोड शो 10 किलोमीटर लंबा किया था, जिसके बाद लोगों के स्वागत से काफ़ी अभिभूत दिखे थे और रात्रि विश्राम राजभवन में किया, जिसके बाद आज सुबह से उनका कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम के तहत आज संग्रहालय पहुँचे हैं पीएम मोदी, और वहाँ पर सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की, और उसके बाद जो विभिन्न खासियत से संग्रहालय की उसका अवलोकन कर रहे हैं, साथ में सीएम हेमंत सोरेन भी हैं और देख रहे हैं इस संग्रहालय के अंदर जो चीज़ें हैं किस तरीके से यहां पर व्यवस्थित की गई है उसको देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा संग्रहालय पहुंचे हैं, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन भी उनके साथ हैं और पीएम मोदी इस संग्रहालय का अवलोकन कर रहे हैं। साथ में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद हैं, आप देखिए किस तरीके से पीएम निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं, और साथ ही साथ जो चीज़ें वहां पर सामने है उसको लेकर जानकारी भी ले रहे हैं। और तो बिरसा मुंडा संग्रहालय की अपनी खासियत है, वहाँ पर झारखंड की संस्कृति है उसको अपने तरीके से वहाँ व्यवस्थित किया गया है और उसकी झलक वहाँ दिखती है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से तमाम चीज़ों का अवलोकन कर रहे हैं और उसको समझ रहे हैं कि आखिर कैसे यहाँ पर जो झारखंड की संस्कृति है उसको दर्शाया गया है, और उसकी झलक इस संग्रहालय में मिल रही है, और अलग अलग जो चीज़ें हैं जो वस्तुएँ हैं उसके द्वारा झारखंड की संस्कृति को दर्शाने की कोशिश की गई है और तमाम चीज़ों का अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बिरसा मुंडा संग्रहालय में। और संवाददाता संदीप इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। संदीप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिरसा मुंडा संग्रहालय पहुंचे हैं और वहां पर जो विभिन्न चीज़ें हैं भगवान बिरसा से जुड़ी हुई उसको उन्होंने
देखा है, साथ में सीएम हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी हैं, और क्या कुछ अवलोकन वहां पर कर रहे हैं? प्रधानमंत्री दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं और आज रात्रि विश्राम करने के बाद राज्यपाल राजभवन से निकलते हुए हिल चौक स्थित जो पुराना जेल परिसर है, जो संग्रहालय के रूप में तब्दील किया गया है, वहां वे भ्रमण कर रहे हैं और वहां पे जो आदमकद प्रतिमा भगवान बिरसा मुंडा की लगाई गई है, सबसे पहले वे उस प्रतिमा में कुछ चढ़ा उनको नमन किए हैं, क्योंकि आज झारखंड का स्थापना दिवस भी है और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। उनके साथ यदि प्रधानमंत्री के साथ बात करें तो राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, वो उपस्थित थे और संग्रहालय भ्रमण भी किया है और कई चीजें वहाँ पे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाए गए हैं जहाँ पे जो पुराना जेल था या भगवान बिरसा मुंडा से संबंधित जो भी पहले की जो कहानी है या फिर भगवान बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ इतिहास है, उन चीजों को भी रखा गया है और कई ऐसे दुर्लभ तस्वीरों को भी संग्रहालय में व्यवस्थित तरीके से रखा गया है ताकि जो लोग हैं आम लोग वो इसका इसके बारे में जान सके। हालांकि प्रधानमंत्री खुद ही भगवान बिरसा मुंडा की जो प्रतिमा लगी हुई है वहाँ पे पूछा, वहाँ पे उन सभी लोगों के साथ फोटो भी खिंचवाए हैं और उसके बाद वे जो संग्रहालय का विभिन्न जो एक क्षेत्र है जहाँ पे विभिन्न तरह की जो व्यवस्थाएं की गई है, चाहे डॉक्यूमेंट्री से जुड़ा हुआ जो फिल्म है, वो सभी की व्यवस्था उस संग्रहालय में रखी गई है और उसका अवलोकन प्रधानमंत्री ने किया है और वहां से सीधे वे एयरपोर्ट से नीचे भी निकलेंगे और एयरपोर्ट से वे उदी हाथू जो भगवान बिरसा मुंडा का जो पैतृक स्थान है वहां पे वे जाएंगे। वहां पे भी भगवान बिरसा मुंडा की जो प्रतिमा है वहां पे चढ़ा आज उनकी जयंती पर उपस्थित होंगे, उनके परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे। तत्पश्चात वे 11:30 बजे के करीब जो फुटबॉल मैदान है जहाँ पे जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया है उसमें शरीक होंगे। लगभग 1 घंटा वे इस फुटबॉल मैदान में रहेंगे और यहाँ से लगभग 24,50 करोड़ की जो सौगात है देश भर को देने का काम करेंगे। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संदीप हमारे संवाददाता बता रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा संग्रहालय का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं, अवलोकन करने के लिए पहुंचे हैं और तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि आखिर कैसे भगवान बिरसा से जुड़ी चीज़ें वहाँ पर दर्शाई गई है और इस जेल को संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया अब और भगवान बिरसा से जुड़ी तमाम चीज़ें यहाँ अवस्थित हैं और उसे तरीके से कहा जाए विशेष तौर पर दर्शाने की कोशिश की गई है, उनसे जुड़ी तमाम जानकारियों को और उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, साथ में सीएम हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद हैं। संग्रहालय की जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और साथ में सीएम हेमंत सोरेन हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी हैं और पीएम जो भगवान बिरसा से जुड़ी तमाम चीज़ें हैं उसको देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके से भगवान बिरसा मुंडा की जीवन से जुड़ी चीज़ें यहां दर्शाई गई है और उसके उसका क्या महत्व है, किस तरीके से उसे बताया गया है, उन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और उसके बारे में जानकारी भी ले रहे हैं और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से भगवान बिरसा मुंडा से जुड़ी चीजें जो है यहाँ दर्शाई गई है।
तो झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दो दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। आज दूसरा दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9:15 बजे भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय पहुंचे और वहां पर वो भगवान बिरसा मुंडा से जुड़ी तमाम चीज़ें जो हैं उसके बारे में जानकारी ली है और जानकारी उन्होंने ली है। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता संदीप जुड़े हुए। संदीप, भगवान बिरसा मुंडा से जो जुड़ी चीज़ें हैं और जिस तरीके से इस जेल को अब संग्रहालय में बदला गया है, तो प्रधानमंत्री वहां पहुंचे अवलोकन के लिए और जो विभिन्न चीज़ें हैं उसके बारे में वो समझने की कोशिश कर रहे हैं और जानकारी भी ले रहे हैं कि किस तरीके से भगवान बिरसा मुंडा के जीवन को दर्शाया गया है। संग्रहालय की बात की है, निकल कर संग्रहालय पहुंचे थे जहाँ पे बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं इस संग्रहालय में एकत्रित किया गया है। और भगवान बिरसा मुंडा जब पुराना परिसर में ही उनको रखा गया था, यही वजह कि भगवान बिरसा मुंडा संदीप तकनीकी वजहों से आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संदीप हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से पीएम वहां पर पहुंचे और भगवान बिरसा के जीवन से जुड़ी तमाम जो चीजें हैं उसका अवलोकन किया और उनका जीवन कैसा रहा इन चीजों को यहां दर्शाया गया। और ये जो कारागार है इसे संग्रहालय में अब तब्दील कर दिया गया, इन्हें यहां पर भगवान बिरसा को रखा गया था जिसके बाद अब इसे संग्रहालय में तब्दील किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संग्रहालय का को कई अवलोकन के लिए पहुंचे, वहां पर तमाम चीज़ों को देखा कि कैसे भगवान बिरसा मुंडा का जीवन रहा है। और सबसे पहले उन्होंने वहां पुष्पांजलि अर्पित की भगवान बिरसा मुंडा को, इसके बाद उनसे जुड़े तमाम चीज़ों को देखा और समझने की कोशिश की। साथ में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। तो पीएम मोदी और सीएम हेमंत सोरेन साथ साथ यहाँ पर दिख रहे हैं, साथ में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी पहुँचे हैं और